बंदाओ सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय जासु कृपा दिन करन करी ब्रह्मतम देत नसाय। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। जीवन जीने की कला संतों के द्वारा हमको जानकारी हो रही है। जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारे जो गुरुजन हुए हैं आज नहीं है, वे लोगों ने चिंतन किया सत्य क्या है, सत्य क्या है और सत्य के पीछे मैं लगा हूं कि नहीं लगा हूं, कि झूठ के पीछे लगा हूं। गुरुवर कबीर ने कहा है बीजक में, शून्य सहज मन सुमिरति प्रकट भई एक ज्योति, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। सहज मन से चिंतन करें, खोज करें, शून्य सहज मन सुमिरति। सहज मन से सुमिरन करते करते मन एकदम शून्य हो जाना चाहिए। कुछ भी सोचने की दशा में न रहे, निस्तब्धता और निःशब्दता ध्यान। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब ने क्या सूत्र आई है, निस्तब्ध होकर के बैठो अडिग आसन से, तंथिर मंथिर वचन थिर सुरति निरति थिर हो। कह कबीर वह पलक कलप बराबर हो, तन को स्थिर आसन करके बैठो और मन को भी थिर रखो। रामायण में कहा है गोस्वामी जी ने राम के द्वारा नवधा भक्ति में सेवरी को कहते हैं सावधान सुन धरु मन माही। हे सेवरी बिल्कुल सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। जहां तन है वहीं पर मन भी होना चाहिए। तन यहां है और मन पता नहीं कहां कहां है, भटक रहा है। लगता है यहीं पर तन भी है मन भी, सब कुछ यहीं है, लेकिन केवल तन है, मन बाजार में गया है। मन पता नहीं नरक स्वर्ग का चिंतन कर रहा है, क्या क्या चिंतन सोच रहा है। मन इसलिए सदगुरु ने कहा कि मन को भी स्थिर रखो, यही पर शांत रखो। इस प्रकार से सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन और दर्शन को हम सब अच्छी तरह से अनुभव करें।
उन्होंने जीवन जीने की कला क्या बताया? पहला, ये आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है और सत्य क्या है? कर्म सत्य है। कर्म कर्म जो कुछ भी इंसान कर्म करता है उसी का फल आज और आगे मिलता है। जैसे एक बच्चा है, जन्म लिया, उसे बहुत बड़ी संपन्न संपत्ति मिल गया माता पिता के द्वारा। जन्म लेते ही ऐसे देव स्वरूप माता पिता भी मिले बच्चे को, तो बच्चे को धन मिला, तन मिला, माँ बाप मिले, ये कैसे मिला? कर्म, पिछले जन्म का कर्म का फल है। शरीर मरता है और आत्मा अमर है, वो मरता नहीं है। अमर आत्मा जो कर्म करता है, आज किया है, कर रहा है, उसी के अनुसार से आगे मिलता है। आज आपके खेत में जो चीज फसल बोएंगे उसी का समय पर काटेंगे भी, जो नहीं बोए हैं काटना चाहे नहीं मिलेगा, कर्म है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर मरता है, हर प्राणी का, लेकिन आत्मा पुनः शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके जो कुछ मिलता है कर्म के अनुसार। लेकिन वही बालक है जब बड़ा हो जाता है किशोरावस्था में, तो सत्य असत्य पाप और पुण्य दुख सुख को समझने लगता है और समझ करके कर्म करता है। अभी तक भाग्य से मिला था कर्म का फल पिछले जन्मों का, इस जीवन में कोई कर्म नहीं किया है लेकिन मिला था, मिला था पिछले कर्मों का फल। लेकिन युवावस्था होने के बाद, पढ़ाई लिखाई किसी कार्य क्षेत्र में लग जाने के बाद कर्म पथ में चलता है तो उसे धन मिलने लगता है और जो पैतृक संपत्ति मिला है वो भाग्य का है, वो पिछले जन्मों का कर्म का फल है। और आज जो बच्चा है जवान होने के बाद कर्म क्षेत्र करता, खेती नौकरी व्यवसाय करता है और धन कमाता है, तो आज का कर्म है। मूल धन धन ब्याज बराबर मिश्र धन के रूप में जोड़ता है। तो वही बच्चा माला माल हो जाता है और जो कर्म पथ में नहीं चलता है, भाग्य के भरोसा माता पिता ने खूब धन दे दिया और उसी पर फूले नहीं समाता है, तो वह बच्चा आगे कर्म करना छोड़ देता है। बहुत मिला है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें, एक सेठ जी था, एक सेठ का एक ही लड़का था, एक ही लड़का किशोरावस्था हो चला था। सेठ के पास काफी धन था, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति थी, लेकिन बच्चा किशोरावस्था में जैसे पहुंचा गलत संग करने लगा,
गलत चीजों का सेवन करने लगा और गलत लड़कों के साथ में जाने लगा। सेठ ने देखा ये लड़का धन का महत्व नहीं समझा है, न जीवन का महत्व समझ रहा है, इसे कुछ सबक सिखाने की आवश्यकता है, तभी धन का कीमत समझेगा। ऐसा सोच करके सेठ ने अपने ही बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारा किशोरावस्था हो चुका है, जवानी जाने की तैयारी है युवावस्था का, और तू कमा करके किसी दिन कुछ भी लाया नहीं है। आज प्रातः का समय मैं तुम्हें कह रहा हूं, कुछ भी कमा करके लाओगे तभी खाने को मिलेगा, कमा करके लाओगे तभी खाने को मिलेगा। वो लड़का माँ के पास गया, माँ को बताया, माँ ने कहा कि हमारे घर में धन भरा हुआ है, पता नहीं सेठ की बुद्धि क्या हो गई है, और बच्चे को कहता कमा करके लाओ तब खाने को मिलेगा। माँ ने उसे 100 रुपया दे दिया, जाओ खेलो, शाम को आना, पिताजी को दे देना 100 रुपया, पिताजी कमा करके लाया हूं। बच्चा ने वैसे किया, शाम को आया, 100 रुपया दिया सेठ को। सेठ ने कहा वो कुआं में डाल दो। 100 रुपया को ले जाकर के कुआं में फेंक दिया। दूसरा दिन फिर कहा आज भी कमा के लाओगे तो खाने को मिलेगा। अब क्या करें? थोड़े दूर में उसके बहन गई थी, वहां जाकर के बताया पिता ने ऐसा कहा है, मैं क्या करूं? ठीक है भाई, आराम करो, आराम करो, ये 100 रुपया लो और यहाँ खा पी करके शाम को जाना, बाबूजी से कहना 100 रुपया कमा के लाया हूं, दे देना। वैसे दूसरे दिन भी किया पिता ने, फिर तीसरा दिन हुआ, बच्चे से कहा कि आज भी कमा के लाओगे तब खाने को मिलेगा। तीसरा दिन बच्चे के माँ को, बच्चे के बहन को हिदायत कर दिया संदेश दे करके, यदि बच्चे की सिफारिश करोगे और कुछ भी दोगे, मुझे मालूम हो चुका है तो तुम लोगों का भी रिश्ता नाता यहां से टूट जाएगा। अब किसके पास जाए? बच्चा है, घूमते टहलते हुए कस्बा था, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में गया, रेल गाड़ी आने का समय था, जैसे आरंगी से बाजार था। जो आदमी वहां बैठा रहता गाड़ी में, जिसके पास सामान रहता है, वो कहता है कुली कुली करके, और जो कुली रहता वो भी अपने को कुली कहता है। वह लड़का गाड़ी आने के समय में दौड़ रहा था कुली कुली करके। एक बाबूजी ने जैसे गाड़ी रुकी तैसे उतरा, उसके बाद 2 अटैची थी और 3 थैला था। उन्होंने उस लड़के को दोनों अटैची सिर में रख दिया और एक थैला को भी, 2 थैला उसके कंधे में रख दिया। रख करके अब उस लड़का है 5 किलो वजन कभी ढोया नहीं था, अब इतना सामान ले गया, किसी तरह से प्लेटफार्म के बाहर में गया, उनके गर्दन टूटने लगा था, कमर झुक गया था, पसीना पसीना हो गया। उसके बदले उसे 50 रुपया मिला, 50 रुपया मिला, पसीना पोंछा। शाम के समय घर में गया, पिताजी से कहा कि पिताजी ये 50 रुपया कमा के लाया हूं। पिता ने कहा कि बेटा उस कुआं में डाल दो। बच्चा आज झंझा करके कहता है पिताजी खाने को दो या मत दो,
इस 50 रुपया के पीछे मेरा जान जा रहा था, जान जा रहा था, मुश्किल से बचा है। पिता ने कहा, बेटा आज कल और परसों 100-100 रुपया को कुआं में डाले, तब जान नहीं गया, पसीना नहीं बहाया था, माँ ने दिया, बहन ने दिया, आज 50 रुपया के पीछे जान जा रहा है, धन का कीमत समझा। उस दिन तिजोरी का चाबी उस बच्चे को दे दिया। परसों कल तक वह बच्चा आवारा लड़कों के साथ में घूमता था। पिता का पैतृक संपत्ति जो भाग्य से बच्चे को मिला था उसे बर्बाद कर रहा था, हर व्यसन में नष्ट कर रहा था, लेकिन आज उसे धन का पता चला तो धन का सदुपयोग करने लगा। उसी प्रकार से जिंदगी मिली है, तन मिला है, आज के कर्म से नहीं मिले हैं, पिछले जीवन के कर्म का फल है। ये जीव है, आत्मा है, कर्म किया है पिछले जीवन में तो ऐसा शरीर मिला है। इस शरीर मिलने में हमारा कोई लागत नहीं लगा है इस जीवन का, न पैतृक संपत्ति भाग्य से मिला उसमें हमें इस जीवन का कोई लागत नहीं है। लाखों की संपत्ति हमें मिला, करोड़ों की संपत्ति मिला, और ये तन मिला, माता पिता मिले, तो पूर्व जीवन के कर्म का फल है। लेकिन ये कर्म का जो फल भाग्य से मिला है ना, ये कैसा है, जैसे तालाब में भरा हुआ पानी है। तालाब में भरा हुआ पानी गर्मी आते ही, अभी तक 8 महीने से पानी भरा हुआ था, 1 महीना में सूखने लगता है, अब पूरा सूख जाता है। ऐसे ही भाग्य के जो रोटी है, भाग्य की संपत्ति है, कर्म नहीं करोगे वह छिन जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन बोर का जो पानी सक्सेस बोर हो गया, रात दिन बोर की मशीन को चला रहे, कई तालाबों को भर देता है, सूखे गर्मी में भी भर देता है। उसी प्रकार से हम अच्छे कर्म पथ में चलते हैं तो भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य का निर्माण कर्म और भाग्य, कर्म से भाग्य बनता है, और भाग्य में से मिला है उसे फिर से कर्म करोगे फिर भाग्य का निर्माण होगा। इस प्रकार से हम चिंतन करें, ये जीवन है आज कल में नहीं रहेगा और सदा के लिए नहीं रहेगा। ये परिवार, माता पिता, धन संपत्ति जितना हम सजा रहे हैं, ये मठ मकान, ये सदा के लिए हमारा नहीं है, कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। ये माता पिता, धन संपत्ति, घर ऐश्वर्य जितना सत्य भासता है, ये सत्य नहीं, कुछ ही दिन के लिए है। पता नहीं आज या कल में मौत आ जाए, और मौत आते ही सब सपना, सब सपना हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, पता नहीं किस क्षण मौत आ जाए, इसलिए जागो, जागो। माता मिले हैं, पिता मिला है, भाई मिला है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, इनके साथ कैसा हमें जीवन जीना चाहिए, आज है। पता नहीं कल सुबह तक माता मुझे मिले, पति पिता मिले, पत्नी मिलेगी, पति मिले, क्या पता, कोई पता नहीं। रात्रि में सोया और सदकली सो भी जाए, इसलिए इनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए जीवन जीने के लिए। जो मौत का याद करेगा जीवन में, वह जीने की कला भी सीखेगा। रोज मौत का याद करें
और परिवार के सभी सदस्यों को देवी और देवता समझें और अपना जीवन को ये रतन का जतन करूं माड़ी का सिंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ए रत्न तुल्य मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर की कीमत कोई आके बताए कौन आंक सकता है। एक सेठ है रायपुर के रहने वाला है, उनका कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, उसके पास धन अरबों की संपत्ति है। वो चाहता है एक साल का जन्मा हुआ बेटा है, एक साल डेढ़ साल का बच्चा है, ज्यादा उम्र का नहीं, एक डेढ़ साल का, वो मुझे दे दे, उसके नाम से सारे संपत्ति कर दूंगा। उस बच्चे का कितना कीमत, आपने एक समझ नहीं रहा है। और हम उस बच्चे का कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। उस बच्चे के सामने में बीड़ी तंबाकू गुटखा गुड़ाखो मद्य मांस सारे दुष्कर्म करके बच्चे का जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उस बच्चे का जीवन का कीमत कितना, वो सेठ ने समझ रहा मुझे कोई दे दे तो, जिसका संतान नहीं वो कहता मुझे कोई बच्चे को दे दे, उस बच्चे का के लिए मैं करोड़ों के अरबों की संपत्ति में उसे उसके जीवन में उसके समर्पित कर दूंगा। लेकिन उस सेठ को कोई देना नहीं चाहता है, कोई देना नहीं चाहता है। कीमत कितना समझो, रतन का जतन करूं माड़ी का सिंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ए रत्न तुल्य मनुष्य मिला है, रत्न के समान माता पिता भाई बहन पति और पत्नी मिले देवी देवता के समान। आज मिला है पता नहीं कल रहे कि न रहे, वे रहे कि न रहे, हम रहे कि न रहे, सदा के लिए खोना पक्का है। याद करें हमारे दादा बाबों परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है, जो चले गए पुनः आता नहीं है। कैसे विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, चलने वाला धर देता है रह जाती ये था। जहां नहीं तृण भी अपना है, एक तृण भी अपना नहीं है, समझ ले किसके साथ में किया गया। जो बन सके आज कर लो भाग्य का निर्माण, भाग्य के निर्माण करोगे वही तुम्हारा है, बाकी संपत्ति संसार के प्राणियों का है, तुम्हारा नहीं है। जो खा लिया वही तुम्हारा है, बाकी नहीं। इसलिए आज अवसर मिला है भाग्य का निर्माण करने के लिए, तन मिला है बहुत बढ़िया शरीर है, इसलिए रतन का जतन करूं माड़ी का सिंगार। ये जो दिख रहा है ना, ये ऐश्वर्या धन जन तन के रूप में ये सिंगार माड़ी का, जैसे कपड़ा बढ़िया कपड़ा खरीद करके लाया चमक रहा है, पानी में डाला और थोड़ा सा निर्मा डाल करके धोया और उसे निचोड़ा, वैसे ही सब फट गया। ऐसे संसार के प्राणी पदार्थ धन सब छूटने ही वाले हैं। इसलिए हमें मौत का याद रखना चाहिए। मौत का याद करने से मरण ही आएंगे। सदगुरु श्री विलास साहेब ने गृह त्याग किए 21 साल की उम्र में और 80 साल की उम्र तक उसके धड़ में प्राण रहा। लेकिन 21 साल जैसे गुरु के शरण में आया तैसे ही उन्होंने पद बनाने लगा। उस पद में कहा है, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करो, मौत को प्यारी समझ कहा और निरंतर मेरे सामने में आया करो। वही मौत के कारण से आज सदगुरु अभिलाष देव का जीवन दुनिया में भारत ही नहीं विश्व में आज अमर हो गया। जीवन जीने की कला सदगुरु श्री अविलास साहेब के जीवन दर्शन से आज कैसे साधु समाज का निर्माण है,
धनेश्वरी पुस्तक पत्रिका है। जिभारती दर्शन ही नहीं, पाश्चात्य दर्शनों का लेखक हुआ और पाश्चात्य सभी महापुरुषों के हम जीवन दर्शन को हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। राम कौन थे, कैसा जीवन था, बुद्ध कैसा जीवन था, ईसा का जीवन, आदि आदि महापुरुषों का जीवन और दर्शन को आप 2500 दर्शन सदगुरु श्री विलास साहिब के दिए हुआ है। साहित्य तो सैकड़ों, उन दर्शनों को हम पढ़िए तो भला जरा। तो ये जब सब कुछ मिला है किसके द्वारा, मौत का याद कर करके महापुरुषों के जीवन और दर्शन को उन्होंने लिखा और हमारे सामने सारी संपत्ति छोड़ के चले गए। हम उनको पढ़े अधिक से अधिक समय निकाल करके साहित्य अवलोकन करें, अध्ययन करें और हम समय जितना समय हमको मिला है बस परितन के पीछे, जन के पीछे और धन के पीछे, खेती नौकरी व्यापार के पीछे खो देते हैं, लेकिन अपने आत्मा के भविष्य निर्माण के लिए, अपने आत्मा के भविष्य निर्माण के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाते हैं, एक मिनट भी। इसलिए सुबह शाम दोपहर जब भी समय एकांत में निकाल करके, एकांत में बैठ करके चिंतन करें और भाग्य का निर्माण करें। सब कोई नहीं अपना है, सब छूटने वाला, सब सपना होने वाला है। इसलिए जो आज अवसर मिला है उसको मैं सार्थक बना करके ही रहूंगा। अब शेष जीवन मैं अपने आत्मा के कल्याण के ही लिए करूंगा। इस प्रकार से हम सबको चिंतन की गहराई में निरंतर डूबना चाहिए और मौत का याद हमेशा करें। मौत सत्य है, आत्मा सत्य है और कर्म फल सत्य है। इसके अलावा सब संसार के प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील और छूटने वाला है, कोई अपना नहीं है। इसलिए मौत के याद रखें, आत्मा चिंतन करें, मेरी आत्मा को फिर से दुख न मिले, भवसागर से मैं अपनी आत्मा को बचाऊं, नरक से बचाऊं। कब तक भटकता रह गए आत्मा, बुद्ध भगवान ने कहा है भिक्षुओं तुम्हारी आत्मा इस संसार में कब से भटक रहा है तुम्हें मालूम है? भिक्षुओं ने कहा नहीं भंति नहीं, तुम्हारे आंखों से कितना आंसू बहाया है अनादिकाल के संसार में तुम्हें पता है? नहीं भंति नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, तथागत ने कहा भिक्षुओं इस सातों समुद्र में पानी भरा हुआ है, वैज्ञानिक इसका आकलन कर सकते इतना पानी है, लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू बहाया है तूने अनादिकाल के संसार में, उसका कोई गणित नहीं है। ना तुम्हारे शरीर और धर शरीर धरने और छोड़ने का जो प्रक्रिया है उसका कोई गिनती नहीं है। कितना जनसंख्या है उसका तो गिन सकते हैं, लेकिन शरीर धरने और छोड़ने एक आदमी का अनादिकाल के संसार में उसका कोई नहीं। भिक्षुओं कब तक भटकते रहे इस संसार सागर में? अपने को जानो और अपने उद्धार के लिए काम करो। ऐसे कहते कहते तथागत बुद्ध ने सब कुछ त्याग करके अमर हो गया, सब कुछ को त्याग करके अमर हो गया। तो इस प्रकार से बुद्ध के समान महापुरुषों ने सतगुरु से विलास साहेब हमारे बीच में आए और उनका दिया हुआ अमृत रस हम लोग पान कर रहे हैं। उनका ही निर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ हर वर्ष सत्संग भजन हो रहा है, तो उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए। कुछ समय निकाल करके एकांत में, घर में, खलिहान में, खेत में, कुरिया में कुछ क्षण बैठ करके ध्यान करें उनका जीवन और दर्शन को, समय निकाल निकाल करके और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। वही महापुरुष आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका जीवन दर्शन खुली किताब है, उनके जीवनों को अध्ययन करने के लिए और अपने जीवन को तराशने के लिए। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद गुरुदेव की जय।